जी जनाब, हम मौजूद हैं फिल्म घबराना नहीं है कि स्टार कास्ट के साथ, और मेरे साथ जो शख्सियत बैठी है, मेरी और आपके फेवरेट जाहिद अहमद। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद आपकी पहली फिल्म के लिए। थैंक यू वेरी मच। और जनाब ये बताइए कि ये जो पहली फिल्म है, पहली फिल्म में धमाकेदार जो पुलिस वाले भिशुं और एक जबरदस्त किस्म की, ये कोई कॉन्शियस आपका डिसीजन था कि जो एक होता ना एक बड़ा एक्शन हीरो वाले जो हमारे पसंद किया जाता है, ये आपका डिसीजन है? एक्शन ऐसा जिसको नहीं कह सकते, एक्शन ना होने के बराबर है फिल्म, कॉमेडी फिल्म है ज़्यादा। और वो कॉन्शियस डिसीजन सिर्फ ये था कि हाँ, इतनी ही अच्छी स्क्रिप्ट और इतनी ही अच्छी प्रोडक्शन का वेट करना है फिल्म करने से पहले। सो ये डिसीजन था। सो दिस फिल्म प्रोवाइडेड द अपॉर्चुनिटी ऑफ अ वेरी सॉलिड प्रोडक्शन, क्योंकि आपको ये मालूम है कि पाकिस्तान हो या कहीं भी हो, फिल्म अच्छी हो बुरी हो, उसको दिखना पहले बात तो ज़रूरी है। दोपहर को 3 बजे कहीं मंगल का शो लगा हुआ है किसी फिल्म का, तो उसको देखना मुश्किल है। तो छोटी फिल्मों के साथ अक्सर ये हो जाता है। यानी आप चाह रहे थे कि ऐसा प्रोजेक्ट हो कि जो बस मैं चाह रहा था, देखो टीवी पे तो 100 एक्सपेरिमेंट्स किए हैं ना, फिल्म की एटलीस्ट प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन पे एक्सपेरिमेंट नहीं करूँ। ये नहीं कि किसी का पैशन प्रोजेक्ट में साथ जुड़ गया और फिल्म तो बहुत अच्छी थी लेकिन वो पता लगा कि या तो चल ही नहीं सकी या चली तो जोहर के बाद का शो लगा हुआ है। सो ये मेरी एक कॉन्शियस डिसीजन थी। अब आ जाते हैं आपके कैरेक्टर के हवाले से भी। आपने कहा कि बहुत ज्यादा एक्शन नहीं है लेकिन वो कॉमिक एलिमेंट इसमें ज्यादा है। कैसे आप माशाल्लाह इतने सारे प्रोजेक्ट्स आप कर चुके हैं, मतलब लातादाद है ना, हर तरह का रोल में हम आपको देख रहे हैं, जो कॉमिक टाइमिंग वाली बात आप कर रहे हैं किसमें है, कैसे उसको देख? फिल्म कॉमेडी है, कैरेक्टर मेरा बहुत कॉमिक नहीं है। कॉमिक कैरेक्टर एक्चुअली जिब्रान का, बट पूरी फिल्म को आप कॉमेडी ही कहेंगे। तो कॉमेडी शायद लोगों को नहीं पता, कॉमेडी इज़ माय फर्स्ट लव। मैंने जो कुछ 10 साल का थिएटर किया है इस्लामाबाद में और फिर थोड़ा बहुत कराची भी आके, तो उसमें हमने 90% काम कॉमेडी पे किया है। सो मेरा तो बहुत दिल चाहता है, मुझे बहुत मज़ा आता है कॉमेडी करने में। ये एक बस अफसोस वाली बात यह है कि जहाँ पर अगर टीवी की बात की जाए तो कॉमेडी की एक वो ख़ास सिटकॉम की जगह बना दी गई है, एंड उसके अलावा है नहीं। सो बट वरना मेरा बस चले तो मैं ज़्यादा कॉमेडी कर रहा हूँ। बात तो ये कि अगर हम बात कर रहे हैं ना, हम नाम, अब हमारे यहाँ तो ये तो ना नाम के साथ एक चीज़ जुड़ जाती है। अब जाहिद अहमद की अगर बात होगी, बहुत सीरियस रोल होगा और बहुत सारे शेड्स होंगे, अब चाहे वो इश्क़ नसीब है या मोहब्बत जलवा है, तो वो लोगों के लिए कि वो एक थोड़ा सा हट के अब आपका कि वो एक पुलिस वाले के साथ हमेशा एक अटैच हो जाता है, वो एक्शन भी करेगा, अब उसमें एक कॉमिक टच भी दे रहे हैं, तो उसको किस तरह आप डिफरेंशिएट करेंगे अपने प्रीवियस कैरेक्टर्स? आई थिंक यही बात कि वो थोड़ा डिफरेंट है और यू नो कम्प्लीटली एक बरक्स चीज़ आएगी टीवी से, यही एक खुशाइन बात है, क्योंकि फिल्म देखने आ रहे हैं ना वो, तो वही अगर उनको वही अगर उनको सीरियस और मूडी जाहिद नज़र आए तो फिर फ़ायदा क्या हुआ। सो फिल्म है और मेरी और सबा की केमिस्ट्री जो है वो वैसे भी बहुत अच्छा, इट्स वेल रिसीव्ड बाय द ऑडियंसेस। तो जो घंटा दो घंटा उन्होंने फिल्म सिनेमा हॉल में बैठना है स्पेशली इन हालात में, तो वो उसमें हमारी पहली कोशिश ये थी कि वो थरली एंटरटेन होके बाहर जाए। अच्छा, आपने चूंकि बात की सभा के साथ आपकी केमिस्ट्री की, पहला ही आपका जो प्रोजेक्ट था इतना हार्ड हिटिंग संगत की अगर हम बात करें, उसके बाद बेशरम बहुत पॉपुलर हुआ। अच्छा, टेलीफिल्म जो थी वो आपकी दिल दिया गल्ला, उसमें हमने आपको देखा कि वो थोड़ा लाइट में आ गया, तो यही एलिमेंट हमको इस फिल्म में भी देखने को यानी मिल रहा है। दिल दियां गल्लां जैसे ही कुछ एलिमेंट मिलेगा आपको, बिकॉज उसमें भी ये दोनों हम दोनों जो बहुत इन्जॉय करके काम किया था और बहुत लाइट मूड में काम किया था, और इसमें भी बस चूंकि मैं कॉप हूँ और सबा भी इज अ गर्ल ऑन अ मिशन, तो एक कुछ सीरियस शेड्स भी हैं, सारी बात है फिल्म है तो कैरेक्टर के आर्क्स पूरे होने चाहिए, लेकिन आई थिंक ऑडियंस को बहुत मजा आने वाला है इंशाल्लाह। शायद ये बताएं कि एक तो फिल्म का टाइटल ही, आप कह रहे हैं घबराना नहीं, अब आजकल के दौर में ये श्योरिटी ना पिछले 4 साल से बड़ी बार-बार गारंटी दी जाती है घबराना नहीं है, कई लोग घबरा घबरा के परेशान हो गए, आप क्यों कह रहे हैं कि घबराना नहीं है? आपने ऑडियंस को क्या गारंटी दी है कि हमारी फिल्म आके देखेंगे तो घबराए नहीं? यार, हमारी फिल्म की सबसे बड़ी बात यह है, मैं और इंटरव्यूज में भी कह रहा हूँ यही बात, कि हमारी फिल्म में आप एक लम्हे के लिए भी बोर नहीं हो सकते, एक सेकंड का ड्रैग एक्सपीरियंस नहीं करेंगे आप फिल्म में।
और ना ही आप हल्की फुल्की कोई भी वल्गैरिटी एक्सपीरियंस करेंगे, कोई ऑब्सेनिटी, मतलब इट्स द काइंड ऑफ फिल्म जो आप अपने अपने वालिद साहब को भी लेकर जाएंगे और अपने बेटे को भी लेकर जाएंगे। यानी आपका मतलब ये है कि अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो कहीं आपको एम्बैरेसमेंट कहीं नहीं होगी, एक सेकंड के लिए नहीं होगी। और उसके अलावा मैंने भी कहा कि आप बोर भी एक सेकंड के लिए नहीं होंगे। तो दैट्स द काइंड ऑफ स्टोरी, यानी हम ये उम्मीद रखते हैं कि जो है वो आपको ग्रिपिंग। एब्सोल्युटली जी, एब्सोल्युटली। अच्छा, अब आ जाते हैं कि कैसे एक्सपीरियंस रहा सबा के साथ, उजारा माशाल्लाह आपने इतना काम किया, जिब्रान के साथ शायद भी आपका मतलब पहला प्रोजेक्ट है, कैसे एक्सपीरियंस रहा आपके पोस्टर्स? एक्सेलेंट यार, एक्सेलेंट। जिब्रान हो गए, नैयर एजाज साहब हो गए, सोहेल अहमद साहब हो गए, जॉन रैम्बो साहब हो गए, इन सब के एक्सपीरियंस से हमने सिर्फ फ़ायदा ही हासिल किया। बिकॉज एक लम्हे के लिए भी हमें कहीं सेट पे ये नहीं लगा कि हम फिल्म बना रहे हैं या हम कोई मुश्किल काम कर रहे हैं। इट फेल्ट लाइक कि हम एक अपने क्रिएटिव इन्वायरमेंट में एक आर्ट पीस पे काम कर रहे हैं और वो हंसा भी रहा है, रुला भी रहा है। And it was very easy to do our job, basically. अच्छा, ये कोविड के बाद ये पहली दफा हो रहा है, 3-4 साल के बाद जो है वो 4-4 फिल्में एक साथ आ रही हैं। और मजे की बात है कि हर फिल्म का जो एक अपना एक अंदाज अलग है। आपकी फिल्म का मतलब कॉमेडी का भी एलिमेंट है, तो आप कैसे, अगर मैं एज अ व्यूअर आपसे पूछना चाहूंगी कि भाई चार फिल्में में आप ही की फिल्म, सब ये कह रहे हैं कि भाई हमारी फिल्म एंटरटेन है, आपकी फिल्म में अलग क्या है? तो स्टार पावर, हमने ये देखा है कि अगर हम स्टार पावर की बात करें तो आपकी फिल्म है जनाब सबसे ज्यादा स्टार पावर आपकी फिल्म में, उसके अलावा देखें जैसे आपने कहा कि चारों डिफरेंट हैं, तो वो पर्दे में रहने दो जो है वजाहत की, वो फिल्म भी जरूर देखें। पहली बात मैं ये कहूँगा कि देखने चारों ही सारे के सारे, बिकॉज चारों में एक बिल्कुल ही कम्प्लीटली डिफरेंट जॉनरा है। सो पर्दे में रहने दो एक इज अ सोशल इशू सॉर्ट ऑफ, ठीक है, दम मस्तम को आप और घबराना नहीं है को इस तरह से ब्रॉडली कैटेगराइज कर सकते हैं कि हाँ ये बिल्कुल ही कमर्शियल मसाला फिल्म्स टाइप की है, दोनों हमारी फिल्म फिल्म होती है जो एक हाँ, गाने भी हैं, मस्ती हाँ, भी है, हाँ, रोमांस भी है, सब कुछ है, वो इन दोनों फिल्म्स में आपको मिलेगा। चक्कर इज अ मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर, उसकी एक अपनी अपील है। और चौथी कौन सी बता, हम दम मस्तम हो गए, चक्कर हो गए, हाँ। सो देखनी तो चारों बनती है। ईद के 4 डेज आपको इसलिए दिए हैं पाकिस्तान ने कि आप ये हर एक दिन देखें। और मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगा कि हमारी फिल्म बाकियों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है क्यों नहीं है, क्योंकि ये वो टाइम नहीं है कहने वाला है, तो ऑडियंस कहेगी। सही बात है। अच्छा जनाब, ऑडियंस के लिए एक ये भी चीज़ है ना कि आपको जब एक तो हम बातें सभा इस कहते हैं ना, वो क्राउड कूलर वाली बिल्कुल जी, सभा है फिर बातें सभा है तो ये जो चीज है कि मुझे ये बताइए कि सभा के साथ हम दोबारा, मैं इस बारे में करना चाहूंगी, केमिस्ट्री आपकी, मतलब हमें ऑन स्क्रीन छोटी स्क्रीन पे तो होता ही, ये कितना आसान हो जाता है कि आप किसी आपको जो को-स्टार है आपकी उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग है, तो क्या ये रिफ्लेक्ट इसलिए भी स्क्रीन पर जाके आती है होती है कि आपका ऑफ स्क्रीन जो है वो बहुत अच्छा, आप कंफर्टेबल है उस एक्टर के साथ, तो इसलिए वो ऑन स्क्रीन ज्यादा आपको उसमें नजर आता है या नहीं? 100% अगर आपकी ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री, ऑफ स्क्रीन जो आपकी दोस्ती है, वो मैं ये भी नहीं कहूँगा कि कंफर्टेबल होना ज़रूरी है, हम लड़ते भी बहुत हैं, हम बहुत लड़ते हैं और हमारी बहुत बहस होती है, और वो चीज़ भी हमारे काम को कॉम्प्लीमेंट ही करती है। हाँ, जहाँ मुझे लगता है क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स ये कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ काम करके, बहुत अच्छा एक्टर, तो जहाँ रख रखाव तो हर जगह चल रहा होता है और थोड़ा बहुत ज़रूरी भी है, बट उसमें परफॉर्मेंसेस कहीं फंस के रह जाती हैं। सो मैं भी वैसा एक्टर इंडिविजुअली ऐसा हूँ कि मैं काम के बारे में इंतहाई पैशनेट हूँ और सभा भी इंतहाई पैशनेट है, तो हम दो जब साथ काम करते हैं तो वो कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं लेकिन कॉन्ट्रास्ट भी बहुत बुरा करते हैं। कई कई 4-4, 5-5 घंटे की लड़ाई चलती है हमारी, अब ऐसा इतना नहीं होता, पहले हुआ है, बेशरम में हुआ था और हमारे डायरेक्टर साहब जो परेशान हो गए थे। ये बताइए इस फिल्म के डायरेक्टर को कितना परेशान किया? इस फिल्म के प्रोड्यूसर को बहुत परेशान किया, हमने इस फिल्म के डायरेक्टर को इतना परेशान नहीं किया। एंड रिजल्ट, अब आखिर में मैं यही कहना चाहूंगी कि जो प्रोडक्ट हम जो ट्रेलर देखकर, हम तो चूंकि बात कर रहे हैं तो हमें मतलब एक होता है ना बड़ी एक, आप एज अ व्यूअर देखें तो आपको लगता है हाँ जी ये चीज देखनी है। भाई बहुत सॉलिड फिल्म है हमारी, मैं ये कह सकता हूँ, ऑडियंस को पसंद आएगी वो तो ऑडियंस ही बताएगी, लेकिन स्क्रिप्ट बहुत सॉलिड है, डायरेक्शन बहुत सॉलिड है, प्रोडक्शन बहुत सॉलिड है,
और परफॉर्मेंसेज तो आपके सामने है कि जो नाम है। तो आप मुझे कहते हैं 12 मसाले की चाट मुझे किसी फिल्म के लिए कहा जा सकता है? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये आप लोग ईद पर जनाब ये 12 मसाले की चाट जाहिर साहब तक कहना है कि बिल्कुल तैयार है, ईद का मौका है, आइए और देखिए और फिर बताइए कि आपको जाहिद की ड्रामों में तो हम पसंद करते ही रहे हैं लेकिन अब ये पहली फिल्म फिल्म के हीरो और वो एक्शन वाला और वो सारा ये जो पूरा एलिमेंट है आप सबको कैसा लगा? हमें उम्मीद है कि आपकी फिल्म बहुत अच्छा करेगी। थैंक यू सो मच। और हमारी सारी नेक तमन्नाएं हमारी टीम की आपकी और आपकी फिल्म के साथ हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी।